नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। पूरे देश में शोक की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक और रवाना हो गए हैं। अंतिम संस्कार भी आज होगा। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर आ रही है। केरल के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक और 2 बार के कांग्रेस मुख्यमंत्री ओमान चांडी जी का दोस्तों आज सुबह बेंगलुरु के एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें निधन हो गया है। और बताते चले दोस्तों, जो ओमान चांडी हैं वो 79 वर्ष के थे और गले का जो कैंसर है उससे वो पीड़ित थे। उनके सम्मान में केरल सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है और राज्य सरकार ने 2 दिन का शोक भी घोषित किया है। वह केरल विधानसभा के इतिहास में राज्य में सबसे लंबे समय तक विधायक रहने की रिकॉर्ड में दर्ज हैं। उन्होंने 1970 में कोट्टायम जिले में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र पुथुपल्ली से अपना पहला चुनाव जीता था और जब उनका निधन हुआ तो वह पुथुपल्ली से विधायक थे और लगातार 53 वर्षों तक विधायक रहे। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि जनता का विश्वास जीतना और लगातार 53 वर्षों तक विधायक रहना अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात है। उनके परिवार के करीबी सदस्यों के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को बेंगलुरु से तिरुवनंतपुरम लाया जाएगा और अंतिम संस्कार दोस्तों पुथुपल्ली में उनके गृह नगर में ही होगा। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने चांडी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उन दोनों ने 1970 में केरल विधानसभा में पहली बार प्रवेश किया था। विजयन ने कहा, हमने छात्र राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीति की जो यात्रा है वो शुरू की थी और बहुत लंबे समय तक जारी रखी। दोस्तों भगवान मुख्यमंत्री ओमान चांडी की आत्मा को शांति दे, इसलिए कॉमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम लिखें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।